नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का आवाज़ इंडिया के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे आप जूम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी एक जूम मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जूम ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं प्ले स्टोर में जूम ऐप सर्च करता हूँ। मेरा ऑलरेडी जूम ऐप इंस्टॉल्ड है, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ज्वाइन ए मीटिंग, साइन अप और साइन इन। मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आपको साइन अप साइन इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ज्वाइन ए मीटिंग पे सबसे पहले टैप कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपके पास दो मेथड होते हैं, या तो आप मीटिंग आईडी डाल के ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप किसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड मेथड में हम किसी मीटिंग लिंक से ज्वाइन करते हैं। व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास मीटिंग लिंक आया हुआ है, चलिए इस पर क्लिक करके मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। जूम पे क्लिक करके एंड यहाँ पे मेरी मीटिंग ज्वाइन हो रही है। यहाँ पे आपका नाम मांगेगा, आप अपना इसमें नाम डाल दीजिए। मैं अपना नाम डाल लेता हूँ एंड देन यहाँ पे कनेक्टिंग दिखा रहा है, मेरी मीटिंग ज्वाइन हो रही है अभी। तो चलिए मेरी मीटिंग ज्वाइन हो चुकी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फर्स्ट मेथड डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको चाहिए मीटिंग आईडी सबसे ऊपर जो दिखा रहा है, एंड देन आपको चाहिए पासवर्ड। तो अगर आप फर्स्ट मेथड से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड कंपलसरी है। तो चलिए अब हम डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं कि कैसे आपको एक मीटिंग क्रिएट करनी है। उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा, मतलब आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ कंटिन्यू विद गूगल और यहाँ पे मैं अपना जीमेल अकाउंट डाल देता हूँ, गूगल अकाउंट डाल देता हूँ। तो चलिए ये लीजिए, मैंने अपना अकाउंट डाल दिया, ये अभी मेरे को कनेक्ट कर रहा है। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है लॉन्च जूम पे। अभी आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं अभी न्यू मीटिंग पे टैप कर लेता हूँ न्यू मीटिंग क्रिएट करने के लिए। तो चलिए ये मैंने न्यू मीटिंग पे टैप किया और यहाँ पे मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ और स्टार्ट ए मीटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने स्टार्ट ए मीटिंग पे क्लिक कर दिया और अभी मेरी नई मीटिंग क्रिएट हो रही है, कनेक्टिंग दिखा रहा है। तो चलिए मेरी मीटिंग क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑडियो ऑन करने के, वीडियो ऑन करने के, और यहाँ पे पार्टिसिपेंट का भी ऑप्शन है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपका सेटिंग का है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में आपकी सिक्योरिटी भी है अगर आप पास लगाना चाहते हैं अपनी मीटिंग पे। एंड देन यहाँ पे ऑप्शंस भी होता है कि आप अपने अगर पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना चाहे तो इसके लिए, पार्टिसिपेंट को इनवाइट करने के लिए आपको पार्टिसिपेंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट बॉटम में इनवाइट का ऑप्शन, यहाँ से आप व्हाट्सएप पे अपना लिंक भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मीटिंग लिंक। एंड दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इस वीडियो में, इस मतलब मीटिंग होस्ट करते वक्त, वो होती है आपका रूम आईडी और पासवर्ड, मतलब मीटिंग आईडी और पासवर्ड। उसको देखने के लिए आप वहाँ पे एरो हेड पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं मीटिंग आईडी और पासवर्ड दिखा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।